धर्मांतरण को लेकर दिल्ली एनसीआर क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से प्रेसवार्ता की गई। प्रेसवार्ता में कहा गया कि केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना ही धर्मांतरण के नाम से हम क्रिश्चियन समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा है और पूरे देश भर में खास तौर पर 12 राज्यों में जो कानून बनाया गया है इसे हटाया जाए। विजेंदर सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त था। मेरा नाम है डॉक्टर माइकल विलियम्स और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य यह है कि जो इंडिया में ईसाई समाज के ऊपर धर्मांतरण का जो आरोप लगा है और जो आए दिन उसके धर्मांतरण के बजरंग दल या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब यदि ये प्रूव नहीं हो रहा कि कोर्टों से हमारे बिल्कुल बेकसूर निकल रहे हैं हमारे जो लोग हैं विक्टिम्स जो हैं, तो जो जिन लोगों ने कंप्लेंट ड्यूटी की थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मसीही लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सत्ता हो रहा है। आए दिन मसीहियों के ऊपर धर्मांतरण को झूठा आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे प्रियो आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर धर्मांतरण कानून अधिनियम लागू किया गया है। मेरे प्रियो आप जानते हैं कि जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो धर्म के नाम में लोगों को आपस में लड़वाते हैं, उनके साथ पुलिस प्रशासन है। लेकिन जो शांति प्रिय लोग हैं, जो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके खिलाफ में FIR दर्ज की जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस बात को लेकर दिल्ली के NCR प्रेस वार्ता में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि बजरंग दल को बैन किया जाए और हमारी सरकार से ये मांग है कि जो 12 स्टेट में धर्मांतरण कानून अधिनियम लागू किया गया है उसे हटाया जाए। मेरे प्रियो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे और इस बात को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। धर्मांतरण को लेकर दिल्ली NCR क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से प्रेसवार्ता की गई। प्रेसवार्ता में कहा गया कि केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना ही धर्मांतरण के नाम से हम क्रिश्चियन समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा है और पूरे देश भर में खास तौर पर 12 राज्यों में जो कानून बनाया गया है इसे हटाया जाए। वहीं क्रिश्चियन समुदाय के ऐसे लोग जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं या नेता हैं, सभी को इस कानून के द्वारा पकड़कर जेल में डाल। संदेश बड़ा स्पष्ट है कि पूरे भारत भर में खासकर ये 12 स्टेट्स जहाँ पे ये एंटी कन्वर्जन लॉज लगाए गए हैं, यहाँ पे ईसाई समुदाय के लिए एक जहर सा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे कई ईसाई समुदाय के लोग हैं जो हमारे लीडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिनको इस गलत एंटी कन्वर्जन के एक्यूजेशन में पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। उनको 4-4, 6-6, 8-8 महीने के लिए बेल नहीं दिया जा रहा। तो हमारा कंसर्न ये है कि कई लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है, जो आज़ादी है, ये छीनी जा रही है बिना मतलब के, और एक 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 गलत संदेश लोगों के मन में डाला जा रहा है कि ये ईसाई समुदाय को हमने किसी तरह से ख़त्म करना है। ये बहुत गलत है और ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है। हमारी सरकार से ये मांग है कि सबसे पहले ये सारे स्टेट्स में जहाँ पे ये कानून लगाए गए हैं इनको हटाइए। दूसरा, हम चाहते हैं कि हर पुलिस वाले के साथ, हर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि क्या हक है एक इंसान के और उस हक को बचा के रखे। क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं और जो लोग हमला कर रहे हैं उनको पुलिस का सहयोग मिल रहा है और पुलिस के सहयोग के साथ जिनको मारा गया है अस्पताल में जाके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है एंटी फॉल्स कन्वर्जन के मामलों में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस जागरूक हो और शासन जागरूक हो और ये सब चीज़ों को रोकी जाए। मेरा नाम है डॉक्टर माइकल विलियम्स और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि जो इंडिया में ईसाई समाज के ऊपर धर्मांतरण का जो आरोप लगा है और जो आए दिन
उसके धर्मांतरण के आरोप में लोगों को जेल पहुंचाया जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए न्याय की गुहार करने के लिए प्रेस वार्ता है। सरकार से यही मांग है कि जो लोग दंगाई लोग जो ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उनको जैसे हमारे को बेकसूर होकर हमें सजाएं हमारे लोगों को मिल रही हैं धर्मांतरण के झूठे आरोप में, तो जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं बजरंग दल या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब यदि ये प्रूव नहीं हो रहा कि कोर्टों से हमारे बिल्कुल बेकसूर निकल रहे हैं हमारे जो लोग हैं विक्टिम्स जो हैं, तो जो जिन लोगों ने कंप्लेंट ड्यूटी की थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, हमारी सरकार से ये डिमांड है। हम करेंगे, फिर अपनी डिमांड रखेंगे, दोबारा फिर करेंगे, क्योंकि हम सरकार की तरह तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर ईसाई समाज एक बहुत ही शांति प्रिय समाज है, तो वो वायलेंट नहीं हो सकता, वो गलत काम नहीं कर सकता, गलत तरीके गलत हथकंडे नहीं अपना सकता। तो हम ये गुहार बार बार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जहाँ जहाँ तक हमें जाया जाएगा हम लीगली उन चीज़ों को रखेंगे सरकार के आगे, और सरकार को एक दिन आएगा कि सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये धर्मांतरण का जो खेल है ना ये बहुत थोड़े समय चलने वाला है। जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं माइकल विलियम्स, उन्होंने कहा कि जो आज 12 स्टेट के अंदर धर्मांतरण का कानून लगाया गया है, इस बात का फायदा उठाकर बजरंग दल और पुलिस प्रशासन हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, कई ऐसे हमारे अधिकारी लोग हैं, उनको धर्मांतरण का कानून लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उनको कम से कम 8-9 महीने तक बेल नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो धर्मांतरण के नाम पर जो कानून लगाया गया है उसको हटाया जाए। और मेरे प्रियो, इस भाई ने ये भी कहा कि जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो धर्म के नाम में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बैन किया जाए। और आपने इस बहन का भी बयान सुना कि हमारे जो मसीह लोग हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन जो धर्म के नाम में लड़ाई झगड़ा करते हैं पुलिस उसके साथ है। आपने वीडियो में अच्छे से देख लिया होगा, और इस समय में यही हो रहा है मेरे प्रियो। इन दोनों ने ये कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम दिल्ली में जाकर आंदोलन करेंगे, हम इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, अगर ये कानून नहीं हटाया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और आप जानते हैं कि दिल्ली में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है मेरे प्रियो, क्योंकि जो बजरंग दल है, जो बेरोजगार दल है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, मुंह उठाकर मसीही लोगों के आराधना को भंग करते हैं, मुंह उठाकर मसीही लोगों के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसी के साथ पुलिस प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन भी मसीही लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जिनको मारा पीटा, हॉस्पिटल में एडमिट है उनको वहां जाकर पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अंधी हो चुकी है कि किसको मारा किसको पीटा ये नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें बस बजरंग दल के गुण गाने में मजा आता है। इसलिए हम सभी मसीही लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए कि ये जो बजरंग दल धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करती है वो बैन किया जाए। मेरे प्रियो, जैसे कि आप इन दोनों मसीही लोगों को आपने देखा कि किस प्रकार सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि जो धर्मांतरण का कानून लागू किया गया है इसे पूरी तरह से हटाया जाए, और बजरंग दल और जितने भी दंगा करने वाले लोग हैं, लड़ाई करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर केस किया जाए, FIR किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और बजरंग दल बैन की जाए। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे प्रियो, लगातार मसीह समाज के लिए प्रार्थना करें, मसीह समाज के लिए दुआ करें कि जहाँ जहाँ मीटिंग्स होने वाली थी वहाँ पर जो मीटिंग्स कैंसिल कर दी गई है, आने वाले दिनों में मीटिंग्स फिर से चालू हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।